हेदा लुईस, हाउ आर यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मंगलवार का दिन है, देखते हैं डिवाइन का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइज रिमेंबर, राखी का समय है, साथ ही साथ ये फुल मून बहुत स्पेशल है। ओके बहुत स्पेशल है ये फुल मून। तो फुल मून पे क्या करना है, कैसे करना है, वीडियो मैं पोस्ट करने वाली हूँ, तो बिल्कुल वीडियोस के लिए तैयार रहें। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं कुछ दिन में ही फुल मून का वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये फुल मून बहुत खास होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत मैजिकल होने वाला है, तो बिल्कुल भी वीडियोस को मिस नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स, क्या है डिवाइन का गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है संकेत आज के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या है आज की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है आज की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है आज की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पहला कार्ड अपने आप आ गया है, फाइव कार्ड्स देखेंगे अपन सब मिलकर। ये कार्ड हमें एंजल गाइडेंस भी देंगे, एक मैसेज भी देंगे, और साथ ही साथ हमें बताएंगे भी कि क्या हमें करना है चीज़ों के लिए। फोर कार्ड्स हुए हैं, फाइव कार्ड्स एंड वी हैव बॉटम डेक रिलीज। अरे वाह, आज तो सन भी है, मून भी है, उम्मीद खोते भी जा रहे हैं, फिर से चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, यू नो मिक्स्ड सिग्नल्स आए हैं भाई, मिक्स्ड सिग्नल्स। आई होप आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ओके ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना भाग रहे हैं बेटर करने के लिए, चीज़ों को बढ़िया करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए। बहुत फ्रस्ट्रेशन दिख रही है मुझे आज, लेकिन उम्मीदें भी बहुत दिख रही हैं। एक एक करके समझते हैं, जितनी चीज़ों के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, मतलब मेहनत पे मेहनत मेहनत पे मेहनत करते ही जा रहे हो, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, लेकिन वो रिज़ल्ट तब मिलेगा जब आप चीज़ों में एक प्रॉपर बैलेंस बनाओगे। आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो, उम्मीदें बहुत सारी हैं आपके अंदर कि मैं ये कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये ऐसा बढ़िया कर लूँगा, लेकिन फिर एंड में रिज़ल्ट आपके एज़ पर सैटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, और इस वजह से स्ट्रेस आपका बहुत बढ़ रहा है। और देखो तभी एंजल्स का मैसेज आया कि रिलीज़ करो अपने अंदर की जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी फ्रस्ट्रेशन चल रही है, उसको रिलीज़ करो। अगर आप एक अच्छी बिगनिंग चाह रहे हो, अगर आप एक अच्छी चीज़ें सोच रहे हो, अगर आप अच्छी चीज़ों पर वर्क करना चाह रहे हो, तो यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटी, क्योंकि इस नेगेटिविटी की वजह से ना आप नई चीज़ों पर वर्क नहीं कर पा रहे हो, आप परेशान बहुत हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूँ, कैसे बदलाव करूँ, लेकिन करना बहुत चाह रहे हो। डिज़ायर्स बहुत हैं, डिज़ायर्स बहुत है, इच्छाएँ बहुत है, वर्क चीज़ों पर बहुत ब्यूटिफुली करना चाहते हो। अपने मन की सुनो, अपने आप पर फोकस करो, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने अंदर की आवाज़ पर फोकस करो। आपका ही इंट्यूशन आपको बहुत नए गोल्स की तरफ लेकर जा रहा है, नए नए बदलावों की तरफ लेकर जा रहा है, नई नई चीज़ों की तरफ लेकर जा रहा है। डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, ये ट्रस्ट को मत खो। कुछ लोग इसलिए भी परेशान है क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा फील होता है मुझे कि गलत हुआ है, नेगेटिव हुआ है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई है, ऐसी फ्रस्ट्रेशन भी मुझे बहुत दिख रही है। लेकिन आई फील अभी भी एक ऐसा मौका है कि जो मेहनत आप कर रहे हो, जिन चीज़ों पे आप 100% दे रहे हो, उसका गोल आपको मिलेगा, उसका सक्सेस आपको मिलेगा। भली वो सक्सेस आपको धीरे धीरे मिल रहा है, भली वो सक्सेस आपको लेट मिल रहा है, लेकिन थोड़ा आप अपनी नेगेटिविटी पर वर्क करो, बिकॉज आप चीज़ों को रिलीज ही नहीं कर पा रहे हो। आप चीज़ों में इतना ज़्यादा इंडल जो इतनी ज़्यादा नहीं ना अपना 100% देते जा रहे हो कि फ्रस्ट्रेशन बहुत चल रही है दिमाग में, और जिसकी वजह से खुशी बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेस लेवल आपका बहुत हाई है, अपनी यू नो हेल्थ को भी बहुत सारे लोग इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत नई चीज़ें आएंगी, ये चीज़ कल की रीडिंग में भी आई थी और सेम चीज़ आज की रीडिंग में भी आई है। बस अपने आप को पॉजिटिव रखो, थोड़ा पेशेंस बनाने की कोशिश करो, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बहुत नई नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत नए गोल्स पर आप वर्क कर सकते हो, बहुत नए यू नो क्या बोल सकते हैं कि एनर्जीज पर आप वर्क कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ पर वर्क कर सकते हो, लेकिन वहाँ तभी वर्क कर पाओगे जब आप खुद में खुश हो, वहाँ तभी वर्क कर पाओगे जब आप खुद में एक हैप्पीनेस को यू नो बना पाओगे,
अगर आप खुद में फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, खुद में परेशान रहोगे, तो यू नो ऐसा नहीं है कि डिवाइन बस चमत्कार करेंगे और ठीक हो जाएंगे. ये सब कुछ आपकी एनर्जी से वर्क करता है. वट एवर यू विल गिव टू द यूनिवर्स, यू विल गेट बैक, यू नो गेट दैट बैक. इफ़ यू आर क्राइंग क्राइंग क्राइंग, कुछ न्यूज़ ऐसी मिलेंगी कि रो ही रहे हैं. अगर खुश हो, बहुत खुश हो, इन्जॉय कर रहे हो, न्यूज़ भी खुशी वाली मिलेगी. आपकी एनर्जी मैटर करती है. भली चीज़ें कितनी पॉजिटिव है नेगेटिव है वो मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि डिवाइन तो बोलते हैं भाई तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगा. अब तुम वो अच्छा मांगो बुरा मांगो वो तुम्हारा कर्मा है, राइट? तो इसलिए जो आप सोचोगे यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट, यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट. तो अपनी एनर्जी हार्म मत होने दो. रिलीज़ का कार्ड आया है, मतलब अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन गुस्सा सब चीज़ों को रिलीज़ करो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सी मैजिकल चेंजेस इन योर लाइफ. और उन मैजिकल चेंजेस को तभी देख पाओगे व्हेन यू आर हैप्पी. एंड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी गुड चेंजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज वट एवर यू आर गिविंग आपको वही मिलने वाला है. डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए. एंजल्स का क्या मैसेज है, एंजल्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए. ओके, मेन मेल कम्युनिटी चाइल्ड. बहुत सारे लोग ना इस फ्रस्ट्रेशन में रह रहकर अपना बचपन बहुत मिस कर रहे हैं, अपने बचपन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं. बचपन बहुत दिमाग में चल रहा है, क्या समय था, कितना एंजॉय करता था या मैं कितना एंजॉय करती थी. एक वो टाइम बहुत ज़्यादा कुछ लोग सोच रहे हैं. हेल्प मिलते हुए दिख रही है आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड वे में कोई हेल्प कर सकता है और लाइफ को थोड़ा पॉजिटिव वे में आगे की तरफ बढ़ाते हुए दिख रहा है. फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल भी मत रखना किसी भी चीज़ को लेकर. कोई ना कोई भगवान बन के आपकी मदद करने आएगा और आपके सारे हर्डल्स को, जो इतना परेशान आप हो रहे हो, जितना मेहनत आप कर रहे हो जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, वो आपको अनएक्सपेक्टेड वे में मिलने वाला है. फ्रस्ट्रेटेड मत फील करो, नेगेटिव मत फील करो, धीरे धीरे आगे चीज़ों पर वर्क करो. बिकॉज ये जो हेल्प आप बहुत समय से डिज़ायर कर रहे हो फ्रॉम एक्स वाई जेड पर्सन, वो आपको मिल सकती है और आपके आने वाले काम को बेटर कर सकती है. इन्जॉय करो, यू नो लिव लाइक अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की तरह ज़िंदगी जीना शुरू करो. सोचो दिमाग से, यू नो ऐसा नहीं है कि बच्चे ही बन जाए, लेकिन यू नो उस खुशी को, उस बचपना को, उस हैप्पीनेस को मत जाने दो अपनी आँखों के सामने जो ऑलरेडी आपके पास है. दिस इज़ जस्ट अ चैप्टर, दिस इज़ नॉट द बुक. यू नो हम तो सिर्फ एक चैप्टर पर वर्क कर रहे हैं. तो धीरे धीरे इन बदलावों को भी एक्सपीरियंस करो, चीज़ों को भी बहुत पॉजिटिव वे में देखो. नेगेटिव जितना होगा उतना फ्रस्ट्रेशन दिमाग में चलती रहेगी. ओके, सो गो विद द फ्लो, चलिए इन एनर्जीज को फील करिए और बस डिवाइन को बोलिए कि बस आई रियली डिज़ायर दिस, मैं यही क्लेम करता हूँ, क्लेम करती हूँ. देखो कैसे यूनिवर्स आपकी लाइफ में उस चीज़ को अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग की तरह पूरा करेंगे. मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ 12:12 पे. आज है ट्यूसडे, बहुत मैजिकल रेमेडी पोस्ट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था, फुल मून का टाइम है और बहुत स्पेशल फुल मून है, तो सारे वीडियोस के लिए रेडी रहिएगा. बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले मेरे व्यूवर्स तक पहुँचें. मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे राधे राधे.